नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा के इतिहास विषय के छठे चैप्टर, जिसका नाम है 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम 1857 की क्रांति में झारखंड की भूमिका को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में भारत की जो भूमिका है, इसकी जानकारी आपके जेसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 86 और पेज नंबर 87 पे उपलब्ध है। तो चलिए बच्चों, आप लोग पेज नंबर 86 और 87 को खोल लीजिए और हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें किन-किन बातों का जिक्र है। हम उसको बेहतर तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और जहाँ जहाँ जरूरी होगा उन घटनाओं को मानचित्र के माध्यम से और उपलब्ध जो भी चित्र होंगे उनके माध्यम से विजुअलाइज करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में अब तक हमने क्या कुछ पढ़ा है। तो अभी अब तक हम लोगों ने अविभाजित बिहार के पुराने नक्शे के बारे में जाना। हम लोगों ने ये भी जाना कि 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था और वो वर्तमान राजमहल क्षेत्र में हुआ था, ये भी हम लोगों ने जाना। इसके बाद ये 1857 की 1855 की का जो संथाल विद्रोह है उसका ये चित्र है, हमारे पाठ्यपुस्तक का है। हमने ये भी जाना कि 1857 की क्रांति के लिए झारखंड क्षेत्र में क्या कारण थे, उसको हमने जान लिया है। इसके बाद हमने ये भी जाना कि बिहार के दानापुर कैंट में और बिहार के ही शाहाबाद में वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो आंदोलन छेड़े गए, तो आंदोलन ही नहीं बल्कि रिवोल्ट कर दिया गया, सीधे सीधे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई, तो उसका झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इन प्रभावों को हम लोगों ने अब तक इसके पहले वाले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है और समझा है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि उसका असर क्या हुआ झारखंड क्षेत्र पर और झारखंड में जो चिंगारी किस तरह से 1857 की क्रांति फैली, तो उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अब तक हम लोगों ने ये भी देख लिया कि चतरा में, हजारीबाग में, चाईबासा में, रांची में और कई स्थानों में एक साथ विद्रोह शुरू हुए और विद्रोह का जो शुरुआती कारण था छात्रों, वो कारण था कि उस वक्त का जो हजारीबाग जिला, आजकल का देवघर जिला, वहाँ पे अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून के द्वारा जो कि घुड़सवार सैनिक थे, उन्होंने अपने अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप उन लोगों को भी फांसी पे लटका दिया गया। तो फांसी पर लटका देने के बाद हजारीबाग में जब ये सूचना आई मिलिट्री कैंप में, तो वहाँ पर भी विद्रोह हो गया। तो इन बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे आगे क्या हुआ था कि रांची में बड़का गांव है, सतरंजी जिसको कहते हैं, तो वहाँ के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा भैरव गांव के जमींदार और महाराजा के पूर्व दीवान जिनका नाम था पांडे गणपत राय, उनके द्वारा नेतृत्व संभाला गया। यानी 1857 की क्रांति का जो रांची में नेतृत्व किसने किया, यदि सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, रांची में विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अपना नेता एवं पांडव गणपत राय को अपना सेनापति नियुक्त किया। ठीक है, इस घटना से प्रेरित होकर चाईबासा, धनबाद, उस समय का मानभूम जिला के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व माधव सिंह और नादिर अली खान कर रहे थे। छात्रों, कई बातें एक साथ हैं तो इनको मैं थोड़ा सिलसिलेवार आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जान लीजिए विश्वनाथ सहदेव कौन हैं और गणपत राय जी कौन हैं। तो छात्रों, आप लोगों ने यदि रांची जिला स्कूल देखा है तो ठीक है, यदि नहीं देखा है तो कभी आप जरूर देख लीजिएगा। रांची का जिला स्कूल बिल्कुल रांची शहर के बीचों बीच है और उस जिला स्कूल का अभी नाम है
अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला प्लस टू उच्च विद्यालय, यानी हमने अपने क्रांतिकारी नेता और हमने झारखंड के सपूत को सम्मान देने के लिए अपना जिला स्कूल का नाम बदल दिया है। ये झारखंड बनने के बाद हुआ है, ठीक है। तो जिसने जिला स्कूल को देखा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है देखिए, ये जिला स्कूल की पुरानी बिल्डिंग है, अभी तो यहाँ बहुत नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। देखिए, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला प्लस टू उच्च विद्यालय रांची। तो हमने अपने विद्यालय के नाम को एक क्रांतिकारी के नाम पे क्यों रखा है, उनको सम्मान देने के लिए, है ना। अब आगे देखिए, 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को कर्नल डाल्टन ने रांची जिला स्कूल के पास ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को एक पेड़ में लटकाकर फांसी दे दी। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडे गणपत राय को फांसी दी गई, मतलब दोनों को फांसी दे दी गई। किसको किसको? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और पांडे गणपत राय को। विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं को पकड़कर अंग्रेजों ने जहां तहां सरेआम फांसी दी। आज रांची मुख्य सड़क पर जो शहीद चौक है, वह अमर स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का फांसी स्थल भी है। समझ रहे हैं विद्यार्थियों? तो आपने यदि जो रांची शहर के हैं वो तो इस बात को जानते होंगे, और बहुत लोग शायद ना भी जानते हों, सिर्फ उसको शहीद चौक कहते हैं, लेकिन वो कोई मामूली शहीद का चौक नहीं है, बल्कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी विश्वनाथ सहदेव जी की का फांसी स्थल भी है, ठीक है। तो एक प्रकार से वह हमारे लिए श्रद्धेय स्थान है वो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, भौरो गांव के जमींदार और महाराजा के पूर्व दीवान पांडे गणपत राय, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आगे विद्यार्थियों देखिए, मानभूम जिला। आजादी के बाद मानभूम जिले के दो हिस्से हो गए हैं, एक जिला जो पश्चिम बंगाल में है उसे हम पुरुलिया के नाम से जानते हैं, और शेष हिस्सा आज धनबाद जिले के रूप में है जो कि झारखंड में है। वहां भी विद्रोह हुआ मानभूम जिले में भी। उसके बाद बच्चों, चुट्टू पालू घाटी का आपने नाम सुना है। जब रांची से आप रामगढ़ की ओर जाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? ये चुट्टू पालू घाटी मिलेगा, ठीक है। 31 जुलाई 1857 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में शुरू हुए आंदोलन का नेतृत्व माधव सिंह और नादिर अली खां कर रहे थे। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, है ना। चुट्टू पालू घाटी में ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे माधव सिंह, ब्रिटिश सेना में जमादार, और नादिर अली सूबेदार थे। टिकैत, उमराव सिंह एवं शेख भिखारी विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। शेख भिखारी ने संथाल विद्रोह से संपर्क कर उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने का आह्वान किया, और मांझी क्षेत्र में टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में एक वृक्ष में लटकाकर फांसी दे दी गई, ठीक है विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, सिंहभूम के पोड़ाहाट, आज का चकरधरपुर के राजा अर्जुन सिंह ने इस संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हम लोग लगभग पूरे झारखंड के विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जान रहे हैं, और इसी क्रम में अभी हम लोग देख रहे हैं सिंहभूम जिला। सिंहभूम का मतलब यहाँ पे है पश्चिमी सिंहभूम, है ना, क्योंकि चकरधरपुर कहाँ है? अभी पश्चिमी सिंहभूम में है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिंहभूम लिखा है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको नक्शे के माध्यम से आपको बताया था। नक्शा में क्यों बताया? इसलिए क्योंकि आप यदि सिंहभूम जिला ढूंढेंगे तो सिंहभूम तो अभी मिलेगा नहीं, अभी या तो पूर्वी सिंहभूम मिलेगा या तो पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा, ठीक है। तो उस वक्त के सिंहभूम जिले में जो राजा थे चकरधरपुर के, उनका नाम था अर्जुन सिंह। देखिए, राजा अर्जुन सिंह का महल और यह मूर्ति पश्चिमी सिंहभूम जिले के चकरधरपुर में है, ठीक है, इनका महल भी है। देखिए,
राजा अर्जुन सिंह के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई है। राजा अर्जुन सिंह वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इन सिंहभूम। ही सर्व एज द राजा ऑफ पोड़ाहाट, है ना बच्चों, उस समय पोड़ाहाट बोला जाता था। अभी चकरधरपुर स्टेशन इतना फेमस हो गया, इतना नाम हो गया कि लोग पोड़ाहाट नहीं बोलते हैं, उसको चकरधरपुर बोलते हैं। नाउ इन चकरधरपुर झारखंड। अर्जुन सिंह हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर कोल्स, ऑल्सो कोल्ड हो, जो हो जातियां हैं, है ना, उन पर उनका बहुत प्रभाव था। हु लुक्ड अपॉन हिम विद द रेवरेंस ड्यू टू द डीटी। ही वॉज द सन ऑफ राजा अच्युत सिंह। ड्यूरिंग हिज रूल द दीवान वॉज जगबंधु पटनायक, जिनको जगू दीवान भी कहा जाता था। तो राजा अर्जुन सिंह हैं जो हैं, उनका स्थानीय आदिवासी समुदाय हो समुदाय के साथ बहुत अच्छा संबंध था और प्रजा जो है ना उनको जैसे ईश्वर के सदृश मानती थी। ठीक है, आगे है स्टूडेंट्स। नीलांबर पीतांबर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह में विश्रामपुर के चेरों सरदारों सहित अनेक लोगों की भागीदारी रही। अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, शहीद नीलांबर और पीतांबर की मूर्ति है ना, ये पलामू के हमारे स्वतंत्रता वीर हैं, ये देशभक्त हैं, इन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है। आगे स्टूडेंट्स देखिए, शहीद शेख भिखारी का भी नाम आया अभी। अब आगे देखिए, 1857 ईस्वी के पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का नाटक अंग्रेजों ने रांची के वर्तमान शहीद चौक में खेला। स्टूडेंट्स, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जितनी फांसियां दी गई अंग्रेजों के द्वारा, उसमें सबसे ज़्यादा तो कानपुर में और सेकंड नाम था रांची का, है ना। 1857 ईस्वी के पूरे भारत में कानपुर के बाद पहला सामूहिक फांसी का नाटक अंग्रेजों ने रांची के वर्तमान शहीद चौक में खेला। छोटा नागपुर में इस महासंग्राम के बलिदानों की कुर्बानी का यह आलम था कि दर्जनों विद्रोही नायकों को फांसी में लटकाने के बावजूद अंग्रेज शासकों के पांव इस क्षेत्र में उखड़ गए और करीब एक साल तक छोटनागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन ठप रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। ये स्टूडेंट्स आपके पाठ्य पुस्तक में भी है कि किस स्थान को कौन शहीद बिलोंग करते और किस वर्ष में उनको फांसी दी गई, है ना। देखिए, चतरा, चतरा के रहने वाले कौन, जयमंगल पांडे और नादिर अली, इनको 4 अक्टूबर 1858 को फांसी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए लेस्लीगंज पलामू, है ना, वहाँ पे नीलांबर और पीतांबर। देखिए, तिथि स्पष्ट नहीं है इतिहास में, शायद इसलिए आपके पाठ्यपुस्तक में उसका जिक्र भी नहीं है। सीधे सीधे लिखा हुआ है अप्रैल 1859, है ना। उसके बाद ठीक रांची शहर में, छात्रों मैं आपको बता चुका हूँ, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 16 अप्रैल 1858 रांची में ही। पांडे गणपत राय 21 अप्रैल 1858। उसके बाद चुट्टू पालू और मांझी, है ना, वहाँ पे शेख भिखारी और उमराव सिंह, कब, 8 जनवरी 1858। छात्रों, 1857 की क्रांति के पश्चात भी क्रांति का बिगुल समाप्त नहीं हुआ है झारखंड में। अब तक आप सोचेंगे कि बिरसा मुंडा जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है। छात्रों, 1857 तक में बिरसा मुंडा जी का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, उनका जन्म हुआ है 1875 में और सन 1900 में उनकी मृत्यु हुई, है ना। तो अब तक हम लोगों ने जयमंगल पांडे जी के बारे में जाना, अमानत अली, सलामत अली, शेख हारून के बारे में जाना, नीलांबर पीतांबर के बारे में जाना, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में जाना, पांडे गणपत राय के बारे में जाना, शेख भिखारी और उमराव सिंह के बारे में जाना, और साथ में हम लोगों ने चकरधरपुर के जो राजा हैं
राजा अर्जुन सिंह के बारे में भी हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी जानकारियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में दी गई है उसको मैंने विजुअलाइज करने का प्रयास किया, और निश्चय ही आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। विद्यार्थियों, आप लोग पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए अच्छी तरह से बातों को याद रखने का। यदि आप वीडियो को एक से अधिक बार देखेंगे, कोशिश करिए कि एक से दो बार देख लीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से उन चीज़ों को समझ जाएं जो हमारे राज्य के इतिहास से जुड़ा है, हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। तो ठीक है विद्यार्थियों, यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।